में आकर आज का दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मुझे दिल्ली में रहते हुए लगभग 27-28 साल हो गए हैं। आज से लगभग 5-6 साल पहले भी अगर हम लोग जाएं तो इतना अच्छा नज़ारा नहीं दिखता था। छठ पूजा के त्यौहार को आज से 15-20 साल पहले कई लोग मजाक की दृष्टि से भी देखते थे, लेकिन ये आप लोगों का श्रम है, हम लोगों की आस्था है कि आज पूरी दुनिया छठ को मना रही है। टीवी पर बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, छठ के कार्यक्रम पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। मेरे दोस्त जो अभी कुछ अमेरिका में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वो लोग भी छठ मना रहे हैं वहाँ पर। तो छठ मैया की जो अपरंपार आस्था है हम लोगों की एक ऊपर, और उनका जो आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, मैं बहुत धन्यवाद मेरे मित्र मेरे भाई पीके राणा जी, जो मिले तो ऐसे इत्तफाकन, लेकिन उनसे बिल्कुल पारिवारिक मित्रता हो गई है, पारिवारिक संबंध हो गया है। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर बहुत बहुत प्रसन्नता, बहुत बहुत खुशी हो रही है। जितने भी यहाँ पर पूर्वांचल के लोग हैं, हम सब किसी भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर, आज का दिन हम लोगों के लिए दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा है, हम लोगों के लिए होली से भी ज़्यादा बड़ा है। आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि इसमें फॉर्मेलिटी नहीं करते, और बड़ी श्रद्धा के साथ इतने लोग पूजा करने आते हैं। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूजा को सरल कर दिया है, नहीं तो हर घर में लोग अपने अपने घरों में अरेंजमेंट करते या फिर अपने अपने गांव, अपने रेजिडेंस पे जाते, बिहार में जाते या कहीं और पे भी जाते। तो इनकी वजह से ये जो जितने भी यहाँ पे काम चल रहा है छठ का, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है, और मैं तो इनको धन्यवाद ही दूंगा इनका सभी का कि एक अच्छे कार्य में लगे हुए। जैसे अभी आप कुछ कह रहे थे, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, शायद उनके बारे में भी आप कह रहे थे कि वो भोजपुरी में छठ के ऊपर गाते भी हैं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो छठ घाटों की कमी दिल्ली में नहीं रहेगी। क्या अभी कुछ कमी नज़र आ रही छठ घाटों की यहाँ पे? नहीं, अभी है, जैसे अभी ये आज ये छठ जहाँ पे हो रही है, इनको जगह नहीं मिल रही थी। फिर इन्होंने मुझे सुझाया कि जी एक है पर डीडीए की ज़मीन है, और डीडीए वाले हमें यहाँ पे करने नहीं दे रहे हैं। डीडीए वालों का भी अलग होगा, जो कर्मचारी है उनका। तो मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पे छठ पूजा करने दो, ये कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं, ये अपना एक दिन की इनकी पूजा है, सुबह की पूजा है, और ये समाप्त हो जाएगा। तो मैंने फिर एक उच्चतर अधिकारी को, क्योंकि परमिशन लेने जाएंगे तो इतना समय नहीं था, उन्होंने बात मान ली, कह जी हाँ ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं जो वहाँ पे तैनात है अधिकारी जो भी है। पुलिस की भी ड्यूटी होती है कि भाई तुम डीडीए की ज़मीन में कैसे आते हो, तो पुलिस के भी सीनियर अफसर से कहा फ़ोन करके, मैं कहा जो वहाँ पे ड्यूटी पे इतने अच्छे कहना चाहूँगा, सब कुछ तो कहा ही गया है, लेकिन जब मेरे पिछले 5 साल से मैं प्राइवेट फॉर्म में करते थे, फार्म हाउस में करते थे, दिल्ली फार्म बगल में है, और अच्छा रहा, वहाँ पर बना हुआ तालाब घाट था, और जब इस बार डेवलप हो गया, वो डेवलप हो गया, डेवलप सुनने का नाम मैं सुना, तो मैं दिल्ली सरकार के पास सीएम लेवल पर या जो भी पदाधिकारी हैं, मैंने एप्लीकेशन लिखकर 3 महीना पहले से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका मेरे पास प्रमाण पत्र भी है, लोग कोशिश भी किए, डीसी ऑफिस भी, डीसी अभी ऑर्डर दे दिए, दिल्ली सरकार ने कुछ किया है सर, एप्लीकेशन के भेजा वहाँ पर, रिफर किया डीसी को, डीसी फिर एसडीएम को किया, तो वो बोल रहा है कि आप ग्राम सभा की जमीन ला कर दे दो। हम कहाँ से लाएं ग्राम सभा का जमीन, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। जैसे आप लोगों ने, आपकी समिति ने इतना अच्छा आयोजन किया और होर्डिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री के गेट पे रखे गए, इसका क्या कारण? कोई बात नहीं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम सबका सम्मान करते हैं, हमें अपनी जगह पर सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बात यह है कि हमें अगर मिल जाता समय पर, वो लोग कोशिश करते, अगर दे देते तो हमारा अपना परमानेंट छठ घाट होता, वो लोग नहीं दिए, गुमराह करके रख दिए, दौड़ते दौड़ते 3 महीने से मैं कहाँ कहाँ सीएमओ ऑफिस, कहाँ कहाँ डीसी ऑफिस, कहाँ एसडीएम से मिला, आज मेरे पास प्रमाण पत्र है उसके पास कि क्या तक रुकी काम, हम भी चलो कहीं किसी तरह से इस बार हम लोग मना लेते हैं, कि अगली साल पूरी उम्मीद है कि घाट हमें पिछले 5 वर्षों से दिया जा रहा है, लेकिन कोई, लेकिन कार्य किसी ने, और मेधा के अब तारी है। आप लोगों को बस एक काम करना है, जहाँ जहाँ आपको आनंद आता रहे वहाँ वहाँ आप लोगों को तालियां बजानी होगी, बस इतना भर आपको काम करना है। एक बात और आप लोगों को बता दूं,
आप लोग भले ही मिथिलांचल के हो, आप लोग भले ही भोजपुर के हो, आप लोग भले ही छपरा बलिया, चाहे आप सब बनारस के हो, चाहे गाजीपुर के हो, चाहे इलाहाबाद कानपुर के, कहीं के भी हो, अपनी पहचान हमेशा अपने साथ बनाए रखना। आज की तारीख में मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं पिछले दिनों दुबई गया था, वहां की वीडियो बहुत लोगों में वायरल हुई, 10-12 मिलियन लोगों ने उसको देखा। मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मैं अपनी संस्कृति, मेरी पहचान है मेरी धोती, मेरा कुर्ता, ये मेरी पहचान है। मैं कहीं पर भी अपनी पहचान को कम नहीं होने देता। यह हमारी धरोहर है, यह हमारी संस्कृति है, इसको कभी भी, आजकल हमारे बच्चे भटक रहे हैं, चाहे लाख दिखते हैं, ये हमारा नहीं, ये छठी मैया का आशीर्वाद है कि पूजा तो होती ही होगी ही होगी, लोग चाहे अपने घरों में करें या सार्वजनिक स्थान होते हैं। जहाँ तक स्थान की बात है, अगर वो स्थान हमें एक निश्चित स्थान हमें मिल जाए, तो हम हर साल और भव्य तरीके से और सुरक्षा संबंधी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूजा को संपन्न करा पाएंगे। जो हर बार जगह चूँकि बदलती जाती है, तो कई सारी बेसिक समस्याएं आती हैं हमारे बीच में, जिनको हमें उस समय जूझना पड़ता है, जिनके लिए मैं इतना भी ऐलान करता हूं यहां से, हमारे तो दिल्ली के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो छठ मैया में पूजा भी करते हैं, छठ मैया के लिए गाते भी हैं। जिस दिन वो सीएम बनेंगे दिल्ली के, उस दिन आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमें कोई पूजा करने नहीं दे रहा, जमीन की परमिशन नहीं दे रहा, बल्कि हर विधानसभा में अलग अलग अच्छे अच्छे स्थान बनेंगे आपकी पूजा करने के। और धीरे धीरे आप लोगों से देख करके, आज मैंने कई जगह ये देखा है कि जो यहाँ के निवासी लोग भी हैं, उनमें भी श्रद्धा जागती जा रही है, हमें भी जागती है। जब भी तो हम भाग रहे हैं चारों तरफ, कभी उधर कभी उधर, अभी 2-3 जगह होके आए हैं, अभी आपके पास आए हैं, अभी 5-6 जगह और होकर के आएंगे, कुछ जगह सुबह जाएंगे, तब भी रह जाएंगे, इतनी हमारी दिल्ली सरकार तो वैसे थोड़ा बहुत सहयोग करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसी जगह व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग अच्छे से प्रोग्राम को कर सकें। तो क्या क्या दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर, जैसे अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, वो कहती है हम पूर्वांचल भाइयों के साथ खड़े, और जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी समस्या आप लोगों के सामने अब भी आती है। हमारे पास अपनी कोई जगह नहीं है, और कहाँ करें, हमेशा यही सोच लगी रहती है कि इस बार तो हमने जहाँ मर्जी कर लिया, लेकिन अगली बार कहाँ करेंगे हम। कोई यहाँ मना करता है, कोई वहाँ मना करता है, ऐसे जहाँ जगह मिलती है वहाँ हम लोग कार्यक्रम को करते हैं। हस्ते अस्त्र